खबर आ रही है पुंडरी से, विधायक रणधीर सिंह गोलन का बयान है। लंपी बीमारी को लेकर बोले रणधीर सिंह, तेजी से हो रहा है पशुओं का वैक्सीनेशन, 20 लाख वैक्सीन मुहैया कराई गई, पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं है, गोवंशों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। पशुपालन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं गोलन। तो विधायक गोलन का बयान, बोले लंपी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि पशुपालक अपने पशुओं को वैक्सीन लगवाएं। 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई हैं, किसी तरह की कोई डरने की बात नहीं है, पशुपालकों को समझदारी से काम लेने की जरूरत है, पशुओं का वैक्सीन लगवाएं उनको, 20 लाख वैक्सीन मुहैया करा दी गई है, पशुपालक घबराएं नहीं। दरअसल लंपी बीमारी की वजह से सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई, लेकिन अब वैक्सीन हो लग रही है पशुओं को, ताकि बीमारी से बचाया जा सके। बिल्कुल पूरी तरह से काबू में है और कोई भी पशु ऐसा नहीं जिसको इंजेक्शन ना लगे हो। हमने दवाई का पूरा प्रबंध किया, मेरा विभाग है, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी, आज सब कुछ ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष साल में दो बार प्रत्येक गौशाला को 13 से 14 करोड़ 6 महीने में देने का काम कर रहे हैं, और लगभग 26 से 28 करोड़ एक साल में देने का प्रत्येक गौशाला में गौओं के हिसाब से कर रहे हैं। एक काबिले तारीफ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, जो कि निस्वार्थ भाव से चल रही है।